हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल एमपी जोन के टर्म वन एग्जामिनेशंस के क्लास फिफ्थ के मैथ के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क 50 मार्क्स का एंड टाइम इज अलॉटेड 2 आवर्स। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो टिक द करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है 60 मिलियन = करोड़। 60 मिलियन को करोड़ में चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं 60 मिलियन को करोड़ में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा 6 मिलियन को अगर करोड़ में चेंज करेंगे तो आंसर कितना होगा 6 करोड़। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है डिजिट इन ए वंस प्लेस ऑफ ए प्रोडक्ट। अब देखिए दो नंबर दिया है, दोनों के नंबर के वंस प्लेस का प्रोडक्ट है। वंस प्लेस जो फर्स्ट नंबर है उसमें वंस प्लेस 3 है, दूसरा 6 है, तो 3 6 18, तो 18 का वंस प्लेस क्या होगा, ये सी वाला होगा, 8 का आंसर हो जाएगा। फिर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 48, मतलब इसमें बताना कि 48 का कौन सा फैक्टर नहीं है, मतलब वह किसके किस नंबर के मतलब फैक्ट 48 उससे डिवाइड नहीं होता है। देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। जी देख सकते हैं 12 के टेबल में भी 48 आता है और जो हमारा 48 तो 48 के टेबल में आता ही है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, 31 इज भी प्राइम नंबर नहीं है, 57 भी प्राइम नंबर नहीं है, एंड 97 प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ स्वयं 97 से डिवाइड होता है। इसके बाद 2/3 ऑफ आवर इक्वल टू मिनट, मतलब 2/3 को आवर, 1 आवर में 2/3 कितना होगा, इसको सॉल्व करके हमें बताना है। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, हमने सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है। देखिए 2/3 × 60, तो 2 इसको 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 और ये 0, 20 हो गया, 20 × 2 कितना हो गया 40 मिनट्स, मतलब इसका आंसर फिफ्थ का हमारा 40 मिनट्स हो जाएगा। देखिए 40 मिनट्स जो कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद 6 है स्मॉलेस्ट डिसिमल नंबर, इसमें स्मॉलेस्ट डिसिमल नंबर खोजना है, तो देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये सी है। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इन द 10th place and 100th place, देखिए 10th place क्या है, 10th place इसमें 2 है और 100th place 6 है, तो 6 × 12 इसका आंसर, ये 12 फर्स्ट वाला आंसर। उनको प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। सेवेंथ, द एक्स्ट्रा मनी इज पेड द बैंक ओवर फॉर एवरी ₹100 आफ्टर 1 ईयर, 100 रुपीज़ पर 1 ईयर के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, 100 है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, तो बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। द फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखिए 0 सेंटीग्रेड होगा, 0 फ़ारेनहाइट नहीं होगा। द 48 इज ए फैक्टर ऑफ, अब 48 बताना कि 48 में कितने फैक्टर होते हैं। अब देखिए 48 का अगर फैक्टर आप निकालेंगे तो आपको ये 10 फैक्टर मिलेंगे, अब इसके बाद देखिए केस स्टडी वाले क्वेश्चन को लेते हैं। सेक्शन बी में हमारा कोर्स केस स्टडी के क्वेश्चंस एक जरूर आता है कि अमन्स फादर्स मिस्टर सक्सेना गॉट द ट्रांसफर फ्रॉम पुणे टू मुंबई
एंड मिस्टर सक्सेना हैड डिपॉजिट रुपीज 55,000 इन ए पंजाब नेशनल बैंक 2 ईयर्स बिफोर एट 8% पर एम। क्या कि मिस्टर सक्सेना जो अमन के फादर से उनका ट्रांसफर मुंबई पुणे से मुंबई हो जाता है, तो उन्होंने क्या 55,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया था पंजाब नेशनल बैंक में 2 साल पहले 8% के रेट से। तो ही क्लोज द अकाउंट एंड विथ द इंटरेस्ट मनी ही परचेज ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स। क्या होते हैं कि 2 साल के बाद जो 2 साल पहले उन्हें बैंक अकाउंट ओपन किया था उसको क्लोज कर देते हैं और जो पैसा मिलता टोटल उसको फ्रेंड के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। अमन आल्सो गॉट 2 जीन्स 2 शर्ट एंड अ वीडियो गेम एज ए गिफ्ट। कर अमन को भी 2 जीन्स 2 शर्ट्स और 1 वीडियो गेम गिफ्ट के रूप में उसके फादर देते हैं। आगे अमन भी करा द परमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स गिफ्ट 1 जीन्स एंड 1 शर्ट टू नैन। मतलब उसमें जो उसको गिफ्ट मिलता है उसमें से 1 जीन्स 1 शर्ट नैन को दे देता है। द सन ऑफ मिल्क मैन नैन वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक अमन फॉर द गिफ्ट। जो एक अमन जो नैन कौन था मिल्क मैन का दूध वाले का बेटा था, वो जो 1 शर्ट और 1 जीन्स मिलता वो लेकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच मनी डिड सक्सेना गेट फ्रॉम द बैंक। तो कह रहा कि जो मिस्टर सक्सेना है वो बैंक के अकाउंट क्लोज करने के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। देखो टोटल अमाउंट सॉल्व करने के लिए देखिए क्या इंटरेस्ट निकालना होगा पहले। तो इंटरेस्ट इक्वल टू आप जानते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल क्या है 55,000 रुपीज और रेट क्या है 8% और टाइम क्या है 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100 से ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इससे कट गया, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 8,800 रुपीस आएगा। ये हमारा इंटरेस्ट आया क्योंकि प्रिंसिपल मून, लेकिन हमें अमाउंट निकालना तो अमाउंट इक्वल टू जानते हैं क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से ऐड कर दिया तो हम ये टोटल मनी पता चल में 63,800 रुपीस उनको टोटल बैंक अकाउंट क्लोज करने के बाद मिलेगा। हाउ मच मनी वाज स्पेंट बाय द सक्सेना ऑन द गिफ्ट। तो कह रहा है कि सक्सेना जो है वो गिफ्ट पर कितना खर्च किए। अब देखिए खर्च वो किए जो कि उनको इंटरेस्ट मिला था। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था कि उनको सक्सेना के द्वारा कितना मनी खर्च किया गया गिफ्ट। तो गिफ्ट में उतना ही पैसा उन्होंने खर्च किया था जितना कि इंटरेस्ट मिल रहा था, और आपको पता है कि इंटरेस्ट में 8,800 रुपीज़। तो आंसर इसका सेकंड का हो जाएगा 8,800 रुपीज़। फिर है हाउ डिड यू फील व्हेन यू गिफ्ट एनी थिंग टू नीडी। करा कि जब तुम किसी को कोई चीज़ निजी पर्सन को जो जिनको ज़रूरत है अगर उनको आप हेल्प करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, इसका आंसर बहुत सारे होंगे तो आई फील गुड व्हेन आई गिफ्ट एनी थिंग्स टू द नीडी। अब देखिए इसमें जो केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट उसमें 10 है। रोहन फादर्स हैड 1,75,845 रुपीज़ इन अ बैंक अकाउंट। ही विड्रॉ 85,975 रुपीज़ बाय रिपेयरिंग हिज हाउस। करा कि रोहन के फादर हैं उनको इतने पैसे थे उनके बैंक अकाउंट में, लेकिन इतना पैसा वो बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं क्या करने के लिए, हाउस रिपेयरिंग करने के लिए। रोहन हैड एड फ्रेंड सुनील हुज फैमिली वॉज वेरी मच नीड ऑफ मनी फॉर पेइंग द हॉस्पिटल बिल ऑफ हिज सिक्स मदर। लेकिन क्या सुनील जो है उसका उनके एक दोस्त थे रोहन का, उसकी मदर सिख है, बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती, उनको एक पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं रोहन विश्ड हेल्प टू सुनील एंड हिज फैमिली। इसलिए रोहन क्या चाहते हैं कि सुनील को कुछ पैसा हेल्प करें, इसलिए वो अपने फादर से बात करते हैं और बात करके 4,575 रुपीज़ लेते हैं
और इस मनी से उनकी हेल्प करते हैं। तो सुनील वाज वेरी हैप्पी एंड थैंक टू रोहन फॉर हेल्प। तो सुनील क्या रोहन को बहुत धन्यवाद देता है उनके हेल्प के लिए। देखो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन रोहन फादर्स बैंक अकाउंट। अरे रोहन के फादर के बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा, तो आप क्या करेंगे जो पैसा था उनके अकाउंट में और जो निकाल लिए रिमेनिंग उसको माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में कितना पैसा क्या देख सकते हैं क्या मनी लेफ्ट इन अकाउंट ना 1075845 में से 85975 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 89,870 रुपीस, ये उनके बैंक अकाउंट में अभी भी लेफ्ट है। सेकंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट फॉर प्रिपेयरिंग हाउस। कह रहा कि हाउस रिपेयरिंग करने के लिए कितना मनी लेफ्ट है, तो अब देखिए मनी लेफ्ट फॉर रिपेयरिंग हाउस अब इसमें से माइनस कर देंगे ये देखिए क्या जो उन्होंने फादर्स के पैसा निकाला था उसमें से ये जो गिफ्ट दे दिया नीट के लिए गिफ्ट क्या उनके मदर को हेल्प करने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे तो एक्चुअली 81,400 रुपीज़ ही उनके पास बचेगा हाउस रिपेयर करने के लिए। विच वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय दिस एक्ट, इस एक्शन से हमें क्या वैल्यू मिलती है, तो क्या मिलती है कि क्या हेल्पिंग नीडी टू पर्सन्स, कि हमें जो नीडी पर्सन है उनको उनके क्या करनी चाहिए हेल्प करनी चाहिए। ठीक है अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी का 11th क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स फॉर 80 करोड़ 80। तो क्या हो जाएगा 80 ये आंसर इस तरह से आप अगर लिखते हैं देखिए करोड़ लाख थाउजेंड एंड वंस। देखिए करोड़ में क्या है 80 एंड लाख थाउजेंड गिवन नहीं है इसलिए 00 कर दिया और वंस प्लेस पे 80 हो गया, इसका आंसर होगा 8000008 0। फिर अगला 12 फाइंड द सम, इनका इनका सम निकालना, इसको नीचे ऊपर लिख के ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। देखिए 5, 10, 15 है यहाँ छोटा हुआ रंग है इसमें क्या हुआ 5, 10, 15 तो मतलब 5 की टेबल यहाँ लिखनी है तो कितना हो जाएगा 20, 25 एंड 30। क्वेश्चन 14 द कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इनको हमें कंपेयर करना है क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। देखिए आप देख सकते हैं इसमें 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 2 से, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करके इधर लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, तो 9 5 = 45 और 10 2 = 20। तो आप देख सकते हैं कि 45 20 से ग्रेटर है इसलिए ये वाला इधर वाला जो है फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा, मीन्स 9/10 ग्रेटर देन 2/5। ये जो आर पार्ट है इसमें इनको ऐड करना है तो ऐड करने में 7/4/7 है 11/14 है दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तभी इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देख सकते हैं डिनोमिनेटर लिया 14 तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा तो 4 2 8 और ये 1 बा जाएगा तो 11 ही, दोनों का ऐड कर देंगे 19/14 ये इसका आंसर हो जाएगा।